तो दोस्तों आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ काटेमोन मैंगो, जो कि ऑल टाइम मैंगो है। 12 महीना इस आम का फ्रूटिंग आता है। तो ये हम लोग की त्रिपुरा में एक फाइनेंशियली किसान भाइयों के लिए फाइनेंशियली एक बहुत हेल्पफुल फ्रूट हो सकता है, क्योंकि 12 महीना अगर आप लोगों को फ्रूटिंग आता है तो ये आम मैंगो आप लोग सेल करके, ये फ्रूट सेल करके आप लोगों को बहुत सारा फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है मैंगो हम लोग के लिए सब लोगों के लिए बहुत ही फेवरेट फ्रूट है, और ये सारा महीना 12 महीना हम लोग खरीद के खाते हैं। अगर ये मैंगो हम लोग त्रिपुरा में करते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही हेल्प होगा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिली एरिया है और मैंगोस के लिए, आम के लिए हम लोग की त्रिपुरा की जो वेदर है बिल्कुल ही सूटेबल है। तो आप लोग देखिए ये मैंगो आज यहाँ पे फ्रूटिंग भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी आ रहे हैं, दोनों मिलके एक ही साथ आ रहे हैं। तो आज मैं वो वीडियो आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है दोस्तों, देखिए काटेमोन मैंगो, जो कि यहाँ पे आम की साइज देखिए। ये काटेमोन मैंगो अभी पूरा फुल ग्रोथ नहीं हुआ है, और ये 1 साल का पेड़ है जो मैंने पिछले साल खरीद के लाया था इस पेड़ को, और अभी 1 साल में इसमें फ्रूटिंग आया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें काटेमोन मैंगो जो है मैंने पिछले साल लगाया था और इसमें फ्लावरिंग भी आया है। और मैं ये एक साथ वीडियो डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोग, वो पीछे जो पेड़ है वो वाला देखिए, ये भी काटेमोन का ही पेड़ है, ये जहाँ पे आप लोग को फ्रूट्स देख रहे हैं। ये देखिए अभी इसमें, देखिए इसमें मैंने फ्रूटिंग नहीं लिया है, जो कि पहली बार जो फ्रूटिंग आया था, जो फ्लावरिंग आया था उसमें से मैंने फ्रूट नहीं लिया था, तो इसमें अभी फ्लावरिंग आया है। ये देखिए हर एक पेड़ में आया है, सभी पेड़ों में आया है। ये इसमें भी देखिए, ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग आया है। ये देखिए। सो दोस्तों, कोई भी किसान भाई त्रिपुरा की, कोई भी किसान भाई नॉर्थ ईस्ट में कोई भी किसान भाई हो, तो आप लोग इस फ्रूट्स को ज़रूर चूज़ कीजिएगा। ये जो मैंगो है इसको ज़रूर चूज़ कीजिएगा। आप लोग देखिए, इसमें भी दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए हर एक पेड़ में फ्रूटिंग आया है, फ्लावरिंग आया है, और फ्लावरिंग से फ्रूट्स भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। और एक पेड़ में तो ऑलरेडी मैंने पूरे पैर में जितने भी पैर है यहाँ पे काटेमोन मैंगो का, जितने भी प्लांट्स मैंने लाए थे सब में पहले ही साल में मैंने नहीं रखा था, तोड़ दिया था। जो फ्लावरिंग आया था मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि पैर जो ज़्यादा वीक लग रहे थे। लेकिन अभी देखिए इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग आया है। और ये भी देखिए, ये भी काटेमोन मैंगो है। तो दोस्तों देखिए, और इसमें भी फ्लावरिंग आने वाला है, और भी फ्लावरिंग आएंगे यहाँ पे। ये देख रहे हो धीरे धीरे फ्लावरिंग भी आ रहे हैं। और इसमें भी देखिए, ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग आया है।